हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मोंटी जनसेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीबीआरआई के अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। ये आपको निकाले गए हैं सीएसआईआर में, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि आप कैसे इसमें फॉर्म को फिल करके सीएसआईआर सीबीआरआई में। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर जाओगे, आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक है टू अप्लाई, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद अगर आप इसका विज्ञापन पढ़ना चाहते हैं तो विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यह डाउनलोड होने के बाद ही इसका ये नोटिफिकेशन है, तो आप इसे अच्छे से पहले रीड भी कर सकते हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप इसे पढ़ पाएंगे, देख सकते हैं। आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 10/1/2024 से लेकर लास्ट डेट जो रखी गई है 7/2/2024 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन बाय पोस्ट आप यहाँ पे 20/2/2024 तक सेंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रॉल करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सैलरी आपकी अच्छी खासी मिल रही है इसमें, 35,400 से स्टार्टिंग है और 1,24,000 तक की आपको सैलरी मिल सकती है। आपको 88,000 आपकी लास्ट एज मांगी गई है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वाले नीचे आना है। नीचे आने बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पंजीकरण करें, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, दोबारा से ईमेल आईडी डालिए, एक पासवर्ड आप जनरेट करिए जो कि नाम का बड़ा अक्षर बैक स्मॉल एट द रेट, इस तरह से आप एक पासवर्ड बना सकते हैं। और उसके बाद नंबर आप कोई भी रख सकते हैं, दोबारा से पासवर्ड बनाना है। उसके बाद एक कैप्चर आपको मिलता है, यहाँ पर डालिए और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड नाउ यू कैन लॉग इन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू लॉग इन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड आप डालिए जो आपने बनाया था। उसके बाद जो ये पासवर्ड ये जो कैप्चर आपको मिलता है ये कैप्चर आप डालिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। दोस्तों लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, आपको क्या करना है इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पे गो टू पास कोड आपको डालना है। तो दोस्तों जिस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये पोस्ट कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, इसके नोटिफिकेशन में आएंगे आप। नोटिफिकेशन में आने के बाद जैसे मैंने शुरू में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बताया था, तो पोस्ट कोड आपको यहाँ पे ये मिल रहा है और इसके सामने आपको क्वालिफिकेशन आपको मिल रही है देखने के लिए। तो जिस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी जौन सी भी आप मतलब की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। कौन सी आप करना चाहेंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे, आप देख लेना। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट कोड आपका इनमें से ही आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पोस्ट का नेम में आ जाएगा, उसके बाद आपकी जाति को नीचे या इनमें से आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपसे आएगा आप यहाँ पे आपका जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है। उसके बाद अगर आप इनमें से आर यू रेगुलर एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं पहले से इसमें तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद आपसे यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं इनमें से आप चुनेंगे, अगर नहीं है तो आप नो रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे,
आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू फिल अपडेट्स डिटेल्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको ये भरना है, कैसे कैसे भरना है वो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको नाम डालना है अपना, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम है, नाम आप फिल करिए। उसके बाद आपको पिताजी का नाम डालना पड़ेगा, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप डालिए। मदर का नाम डालना है, जो भी आपके माताजी का नाम है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपका फादर एड्रेस, आपका फादर का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे दोस्तों, जो भी आपके पिताजी का एड्रेस है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए यहाँ पे। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा और लेडी। उसके बाद आपका डेट ऑफ प्लेस आपका क्या था वो डालिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट कौन सा है वो डालेंगे। उसके बाद पिन कोड आपका आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करके दोनों में एक सा एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर बाई डोमिसाइल या बर्थ बाई बर्थ जो भी है आपका वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टेट आपका कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका हिंदू मुस्लिम जैन जो भी आपका धर्म वो चुनेंगे। उसके बाद आप माइनॉरिटी है, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट है तो इस वाले ऑप्शन को आप यस कीजिए, अगर मुस्लिम नहीं है आप तो नो, इसके ऑप्शन को नो रखेंगे। उसके बाद अगर आप इसे यस करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपका खुल जाएगा मुस्लिम कैंडिडेट का, जो भी आपके मुस्लिम कास्ट में जो भी आती है वो आप सेलेक्ट करिए, नहीं तो आप नो रखेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया आर यू एक्सपेक्ट मिनिमम पे लेवल, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रखना है इसे भी। ठीक है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद इसे भी पढ़ना है और ये पढ़ने बाद आप इसे यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे ना। उसके बाद आपसे पूछेगा एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। आपका रेलवे स्टेशन जो भी आपके आसपास रेलवे स्टेशन है उसका नाम आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है यहाँ पर, ये कंपलसरी है, आप देना चाहते दे सकते हैं, आधार कार्ड देना नहीं चाहते तो छोड़ सकते हैं। ज्वाइनिंग द रिक्वेस्ट होता है ये सेलेक्ट, आप इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव का, सो सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना है। पहले आपको फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, तो सेव पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों लास्ट और स्टेप आएगा आपका क्वालिफिकेशन का, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले 10th से आपको सेलेक्ट करना है, 10th आप चुनेंगे। उसके बाद आपका एरिया ब्रांच वो आप डालिए। उसके बाद डिवीज़न आपका फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है पास है जो भी है सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका परसेंटेज क्या था वो डालिए। उसके बाद आपका इशू डेट जो भी आपका इशू डेट है वो आप इशू डेट यहाँ पर डालिए। ठीक है दोस्तों, इशू डेट आपको डालना है, डिग्री कोर्स क्वालिफिकेशन ये आपको डालना है, बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या था आपका वो डालिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड क्वालिफिकेशन पे, ठीक है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करके ऐड कर देना है हाई स्कूल का डिटेल। दोस्तों मैंने 10th यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप ऐड कर देगा अपना हाई स्कूल, ऐसे ही आपको 12th की यहाँ पर डिटेल डालनी है, जैसे जैसे मैंने हाई स्कूल की डिटेल डालनी है। 12th आप सेलेक्ट करिए, इंटरमीडिएट आप सेलेक्ट करिए, डिवीज़न आपका क्या था फर्स्ट, परसेंटेज आपकी क्या है वो आप डालिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ इशू आपको डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ इशू है वो आप यहाँ पर डालिए दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका फर्स्ट है वो डालिए आप ड्यूरेशन। उसके बाद आएगा आपका बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने पास किया वो डालिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या था वो आप डालिए, पीजीएम से क्या है, फिर जिससे जिससे भी आपने किया है वो आप डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ऐड ना ऐड क्वालिफिकेशन पे ऐड कर देना है, ये भी 10th 12th के हो चुके हैं, और जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया डिप्लोमा एंड इंजीनियर की आपको डिटेल डालनी है, जो भी आपने किया हुआ है उसकी डिटेल आप इसी तरह से डालिए, जैसे हाई स्कूल इंटर की आपने डाली है। डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का आपको दोस्तों, सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट होल्डर, इसके पे बेसिक पे आपकी कितनी थी, लास्ट पे आपने कितनी थी, आपकी फ्रॉम डेट आपको डालनी है, उसके बाद नेचुरल ऑफ डी ये आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ऐड ऐड यहाँ पे एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसकी सारी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी जो भी आपके पास है एक्सपीरियंस वगैरह की। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट एंड स्किप का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके अपने कोई मेंबरशिप ली हुई है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपने कोई मेंबरशिप आपकी नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट एंड स्किप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका रिसर्च पेपर, आपके पास अगर कोई है तो आप इसकी डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर देंगे नेक्स्ट एंड स्किप। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं संबंधित पार्टनर्स डिटेल्स अगर आपके पास, तो दोस्तों अगर आपके पास इसकी डिटेल है आपके पास है तो ये इसे आप इसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर देंगे। स्किप करने बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा, अगर आपके पास ये भी है तो आप इसकी डिटेल डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे भी स्किप करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए, जो भी आपसे पूछा गया है वो आप देखिए पढ़िए और इसे समझिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पर नो रहेगा। उसके बाद अगर आप अभी यहाँ पर अपलोड है तो आप इसे यस करेंगे, एनओसी अगर देना चाहते हैं, अगर नहीं है आप तो नो इसे आप करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव अबाउट डिटेल, आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपका ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं दोस्तों। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपलोड करने हैं, जैसे कि मान लिया सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम्स एंड ये अगर आपके पास इनमें से जो भी आपके पास जो भी हुआ है वो आप डालिए। पहले आप क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में आप 10th की यहाँ पर चुनेंगे, ठीक है दोस्तों, 10th की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसे भी अपलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आप देख लेना जो जो यहाँ पे मांगा गया है, ये आपका साइज जो मांगा गया है 5 MB का होना चाहिए, एक ही सिंगल आपका PDF होना चाहिए, उसी में आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे दोस्तों। 5 MB बहुत होती है, 5 MB में आप आराम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का साइज बना सकते हैं जो जो यहाँ पे मांगी गई है। तो डॉक्यूमेंट साइज बनाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आप जैसे कि मान लिया आपके पास कोई पिक्चर्स है JPG की, तो आपको क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पर आना है आपको, मतलब कि वो बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसे, JPG एंड PDF, यहाँ पे आप सेलेक्ट JPG फाइल पर आप क्लिक कीजिए, और जहाँ पे आपकी फाइल रखी है वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ये फाइल में ले जाएगा, वहाँ से आप फाइल उठाइए, जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वहाँ से आप फाइल उठा के यहाँ पे अपनी PDF बना सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका ये PDF बन जाएगा, जब आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है, ये देख सकते हैं आपके फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है मेरा। अब ये आपका सबमिट तो हो चुका है, प्रिंट आउट आपका फॉर्म भर चुका है। अब दोस्तों आपको इसे कोरियर भी करना है, कोरियर कहाँ पे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए ध्यान से कहाँ पे आपको भेजना है ये। तो दोस्तों आपको इस वाले एड्रेस पे भेजना है, सेल पैट्रेटिस कॉपी लगा के इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, देख सकते हैं आप, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे पिन कोड के साथ में, अलॉन्ग विद सेल्फ अटैच कॉपी, तो ये वाले एड्रेस पर आपको भेजना है सेल्फ अटैच कॉपी लगा के, ठीक है दोस्तों। ये आपका 15 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 के बीच तक, या आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो लास्ट डेट दी हुई है
20 फरवरी 2024 आपकी दी हुई है, जो आप सेंड मतलब भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों, ये वीडियो जो आपको मैंने बताया CSIR CBRI के प्रोसेस के बारे में जो आपको बताया ऑनलाइन करने के। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों सभी का वीडियो देखने के लिए।